रमजान में चिकन रोल बेचने वाली बहू की हिंदू सौतन। हम दोनों बहनें अब रिश्तेदारी में आ रही हैं, क्यों अर्षी? वही तो, मैं कब से चाहती थी कि मेरे बेटे और तेरी रूबीना की शादी हो जाए। हाँ तो ठीक है, इसी महीने रमजान से पहले इनका निकाह कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद ही बहुत जश्न के साथ अहमद और रुबीना का निकाह हो रहा होता है। अहमद अंसारी, क्या आपको रुबीना शेख से निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये सुनते ही सभी ताली बजाने लगते हैं। फिर यही सवाल रुबीना से किया जाता है। जी मुझे भी ये निकाह कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, बच्चों ने कबूल कर लिया। जी जी। सभी की दुआओं के साथ उनका निकाह हो जाता है। फिर रुबीना अपनी माँ जुबीदा से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहाँ रुबीना बेसब्री से अपने शौहर अहमद का इंतजार करती है। तभी गुस्से में अहमद अपना सेहरा उतार कर फेंक देता है। अजी क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों किया? आपकी तबीयत तो ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह, बात न करो हमसे, हम तुमसे निकाह नहीं करना चाहते थे। अरे भाई बहन जैसा रिश्ता रहा है और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। या अल्लाह, ऐसा मत सोचिए आप, मैं आपको चाहती हूँ और हमारे में ऐसा नहीं है। आप हमारे रिश्ते को एक और मौका तो दीजिए। बकवास बंद करो और सो जाओ। या अल्लाह, मैं अपने शौहर के साथ रहने के लिए कितने अरमान से आई हूँ। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या मेरी तकदीर में उनकी नफरत लिखी है? रुबीना रोते हुए ही सो जाती है और अहमद अलग कमरे में सो जाता है। अगले दिन वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालती है। सब कुछ अच्छा चलता है। फिर धीरे धीरे अहमद का मन बदलता है तो वो रुबीना के साथ रहने लगता है, जिससे उन्हें एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है। 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब फिर से अहमद का कलेजा रुबीना से कचोटने लग गया। शाम को वो ऑफिस से अपने कमरे में आता है कि उसकी बेटी कमरे में बहुत रो रही थी, और तभी रुबीना उसके लिए पानी लाती है। ओहो हो हो, जोया बिटिया शांत हो जाओ, अम्मी जान आ गई है ना, अब को बस पानी दे दे। जी पानी ले लीजिए, फिर मुझे जोया को भी देखना है। हाँ तो देखो ना, और इसको मुझसे दूर रखा करो। अभी ऑफिस से आया हूँ और ये कब से रोई जा रही है, मेरी काम दर्द होने लग गई। ले जाओ यहाँ से इसे। जी। रुबीना अपनी बेटी को गोद में लिए अर्शी के पास ले जाती है। अरे जोया बेटिया चुप हो जा, अम्मी जान देखी ना, ये कब से चुप ही नहीं हो रही है। एक बार आप इसे गोद में खिलाकर देख लीजिए, मुझे खाना भी बनाना है, वो ऑफिस से आ गए हैं, नहीं दिया तो चिल्लाएंगे। हाँ तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, मेरे बेटे के आने से पहले खाना तैयार नहीं कर सकती तू? जब देखो तेरे से चिड़ा पड़ा रहता है, ऊपर से तू गरीब घर की है, इसे लेने का मेरा मन नहीं है, इसीलिए जल्दी से खाना बना और ले इसे। जी अम्मी जान। ये बोलते ही रुबीना फटाफट खाना बनाकर अपनी बच्ची को संभालती है। घर के हालात अब ठीक नहीं थे। दूसरी ओर अहमद की दिलचस्पी अब रुबीना से खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो कभी 2 हफ्ता, कभी 3 हफ्ता और अब महीने भर भी घर से बाहर ही रहता था और अचानक से आता था। इस बात से अर्शी कोसते हुए रुबीना को कहती है, मनहूस कहीं की, तेरी वजह से मेरे बेटे ने अपने घर में ही आना जाना कम कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया तूने, तेरी वजह से ही अब वो मुझे कमाई के पैसे भी नहीं देता। घर में खाने पीने की चीज कम पड़ गई है, कहां मैं चिकन कबाब खाया करती थी और अब दाल रोटी पर आ गई। ऊपर से कुछ दिनों बाद रमजान शुरू हो जाएंगे, कैसे इफ्तारी और सहरी होगी? जी चाहता है तुझे अपनी नजरों से दूर कर दूं। अम्मी जान, मैंने उनसे दिल लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही मेरे पास नहीं आते। और जहां तक रही रमजान के रोजे की बात, तो मैं पैसे कमाने के लिए काम करूंगी, इफ्तारी सहरी का सामान भी आ जाएगा और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। देखती हूँ जो बोल रही है वो करोगी भी या नहीं। ये ले, बच गया इसका पीपना, ले जाए इसे यहाँ से, अजान होने वाली है। जी अम्मी जान। फिर रुबीना अपनी बेटी को चुप कराती है। ए खुदा, ये कैसा नसीब है मेरा, खुद रो रही हूँ और अपनी बेटी को चुप कर रही हूँ। इसके अब्बू ना ही इसे प्यार दे रहे हैं और ना ही मुझे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, और अम्मी जान भी मुझसे खफा हो गई है। मुझे घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। मैं चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, रमजान के समय मैं इफ्तारी के बाद तो बहुत चिकन बिकेगा, तो क्यों ना मैं चिकन रोल बनाकर बेचूं, वो ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और कमाई भी अच्छी होगी, ये सही रहेगा। बस बस मेरी बिटिया चुप हो जा, ये ले खिचड़ी खा ले।
अपनी बेटी को सुलाकर वो कुछ जमा किए हुए पैसों से चिकन और चिकन रोल के लिए जुड़ा हुआ सामान और चूल्हा लाकर सुबह बेल बेल कर चिकन के रोल को तैयार कर लेती है और शाम को चिकन के रोल बनाकर बेचने लगती है। साइड में उसकी बेटी का पालना था जिसे वो झूला झूला रही थी। आइए आइए स्वादिष्ट लाजवाब चिकन रोल खाइए, सिर्फ 40 रुपए, सिर्फ 40 रुपए, और डबल चिकन रोल खाइए सिर्फ 70 रुपए में। चिकन रोल की खुशबू अच्छी थी। आसपास के एक दो लोग लेकर चले गए थे लेकिन फिर कोई नहीं आया। इतने में वो अपनी रोती हुई बेटी को भी संभाल रही थी। जोया जोया बिटिया चुप हो जाओ, चुप चुप, देखो खिलौना। सुनिए जरा मुझे 2 चिकन रोल दे दीजिए। जी ये लीजिए, खाकर जरूर बताइएगा कि कैसा है। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी है, जरा मुझे भी 1 चिकन रोल दीजिए। दोनों ग्राहक चिकन रोल खाकर तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा चिकन रोल तो हमने किसी भी बड़ी दुकान पर नहीं खाया, इतना बढ़िया और सस्ता। बाजी जरा 1 चिकन रोल और दीजिए। जी ये लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चिकन रोल तो वाकई में बहुत अच्छा है। खुदा का शुक्र है मेरा बनाया हुआ चिकन रोल सबको पसंद आ रहा है। धीरे धीरे कुछ दिन रुबीना चिकन रोल की दुकान पर चिकन रोल बनाकर भी बेचती है, साथ ही अपनी बेटी को भी संभालती है। ये देख अर्शी का दिल पिघल जाता है। मैंने रुबीना बहू को कितना गलत समझा और वो अपने दोनों फर्ज बेहद अच्छे से संभाल रही है। ये भी तो परेशान होती होगी मेरा बेटा जो इसके साथ कर रहा है, पर मैं इसके साथ और ज्यादती नहीं करूंगी। रुबीना बहू ला, जोया को मैं संभाल लेती हूँ, तो दुकान संभाल, कल से रमजान है याद है ना, और भीड़ बढ़ेगी तो तू दुकान का सामान ज्यादा ले आना और सहरी का भी। जी अम्मी जान शुक्रिया। अब अर्शी अपनी पोती को संभालती है, उसके साथ खेलती है। वहीं रुबीना चिकन रोल बेचकर बढ़िया दुकान चलाती है, घर में भी राशन भर जाता है और रमजान की वजह से भी उसकी बिक्री बढ़ जाती है। और ऐसे ही हर सुबह वो बहुत अच्छे से सहरी करते हैं और शाम को चिकन रोल बेचने के बाद इफ्तारी करते हैं, जहां दस्तरखान पर बेहद अच्छे पकवान और फल फ्रूट होते हैं। माशाल्लाह बहू, ये बरकत सिर्फ मैं तेरी वजह से ही देख पा रही हूँ। मैंने पिछले दिनों तुझे बहुत कुछ कहा, उसके लिए मुझे माफ करना। तू माँ और बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से अदा कर रही है। अम्मी जान फर्ज भी कोई गिनने की चीज होती है भला, आइए शुरू करते हैं। दुआ पढ़कर वो अच्छे से इफ्तारी करते हैं कि तभी अहमद एक हिंदू लड़की से निकाह करके घर ले आता है। माँ देख मेरे साथ कौन आया है, मेरी बेगम शेफाली। प्रणाम माँ जी। उप्स, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। दोनों के हाथ से इफ्तारी का खाना गिर जाता है और वो हैरान हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अहमद बेटा, ये रमजान के इतने पाक महीने में तू ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता है? रुबीना तेरी पत्नी है और तू एक हिंदू लड़की से ब्याह कर आया, ये तूने बहुत गलत किया है। अहमद जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे को आप भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी सोया को कैसे भूल सकते हैं? आप उसके बारे में तो एक बार सोचते। मुझे आप दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी है। मैं शेफाली को बेपनाह चाहता हूँ, इसलिए उसे यहाँ ले आया। आओ शेफाली अंदर चलते हैं। ये हुई ना बात, अब मैं इसको बलि का बकरा बना कर अगली सुबह ही रफू चक्कर हो जाऊंगी। अहमद शेफाली को अपने कमरे में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सास बहू को बहुत चोट पहुंचती है। शेफाली उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताती है और मीठी मीठी बातें कर उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराती है। शेफाली मेरी जान, तुम हुस्न की शहजादी हो, मेरे सारे जेवर शोहरत सब तुम्हारा है, उस संदूक में जाओ ले लो। ये सब मेरा ही है और अगली सुबह ही मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर शेफाली सारा सामान एक बैग में भर लेती है और सुबह सहरी के पहले ही सारे जेवर पैसे लेकर भाग जाती है। बहुत देर हो जाती है। रुबीना अर्शी जैसे ही अहमद के कमरे की तरफ जाती है तो खुले संदूक को देखकर हल्ला मचाती है और अहमद भी जग जाता है। या अल्लाह, यहाँ से तो सारे पैसे और जेवर गायब है। अहमद जी वो लड़की कहाँ है जिसे आप कल रात लाए थे? वो यहीं तो थी। आह आह, मेरा सिर इतना क्यों दुख रहा है? या अल्लाह, वो सौतन ले गई हमारे सारे कीमती जेवरात और पैसे, और कर ले अनजान धर्म की लड़की से शादी। मेरी रुबीना इतनी अच्छी है और तूने उसके साथ ऐसा किया, देख ले कुदरत की करामात। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान,
मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। रुबीना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और अपनी बच्ची का भी। अहमद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी और बेटी को अपना कर उनके साथ अच्छे से रमजान बनाता है।